दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं परवल आलू का भुजिया बनाना आप लोग के बताऊंगी। मसालेदार भुजिया एकदम मज़ेदार। जो परवल को मैंने दो फाँक कर लिया है, एक प्याज, एक टमाटर, एक मूली और आलू को छीलकर मैंने इसे भी दो फाँक करके धो लिया है। तड़का के लिए एक तेज़पात, जीरा, दो हरा मिर्चा, थोड़ा सा आदि और लहसुन। और मैं गैस को जला लेती हूँ और कढ़ाई में तेल रखकर इसे गरम करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद में मैं इसमें परवल को रखती हूँ। इसे मैं पहले भून लेती हूँ, उसके बाद में मैं प्याज और जीरा का तड़का दूंगी। मेरा परवल आलू फ्राई हो गया और इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब इसे मैं दो तेजपत्ता, जीरा, उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक और हरा मिर्चा दो सूखा मसाला, उसके बाद ये एक मूली, इसे मैं 5 मिनट भूनूंगी। जब प्याज गल जाएगा उसके बाद में मैं मसाला डालूंगी। और उसके बाद मैं टमाटर डाल देती हूँ। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर को हम गला लेते हैं। इसके बाद में मसाला डालेंगे। अब इसमें कश्मीरी मिर्चा और गरम मसाला, आलू और परवल को डाल देती हूँ क्योंकि मुझे मसाले वाला आलू परवल का भुजिया बनाना है। अब इसे मैं गैस को कम करके इसे 10 मिनट तक पकने दूंगी, एकदम कम गैस पर। मेरा परवल आलू का मसालेदार भुजिया बनकर तैयार हुआ। इसे मैं अब सर्व कर देती हूँ और गैस को बंद करती हूँ। देखिए मेरा मसाला वाला भुजिया कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है। इसे आप लोग रोटी, पूड़ी, पराठा के साथ सर्व कीजिए और खाइए और बनाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आप मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।